हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर माय चैनल। गाइज, आज हम एम्फेसिस ऑन बोर्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि एम्फेसिस ऑन बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। तो गाइज, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सबको पता है कि 2022 में एम्फेसिस ने सबको हायरिंग करी थी। बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि हायर हुए थे एम्फेसिस के द्वारा, और उनको अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही अनबोर्डिंग से रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर एम्फेसिस का क्या हुआ, सर एम्फेसिस कब अनबोर्डिंग करने वाली है। तो आप लोग बता दूँ कि एम्फेसिस ने अभी तक कोई भी अनबोर्डिंग की बात नहीं करी है, ना कोई मेल आया है, किसी के पास भी नहीं आया है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि एम्फेसिस में सिलेक्ट हुए थे, उनको कोई अपडेट नहीं अभी तक, कोई मेल तक नहीं आ रही है। तो वो लोग भी वेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने सबको बताया है, आप लोग भी बता रहा हूँ कि अगर आप भी एम्फेसिस में सिलेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ आप दूसरे कंपनी के लिए ट्राई करें, दूसरी अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि एक कंपनी के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि आपका 1 साल से ऊपर होने वाला है पास आउट हुए, और आप अगर दूसरे कंपनी में जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर गैप में हो जाएगा तो आप क्या बताएंगे, अगर दूसरे कंपनी में जाएंगे तो इस तरह का है। तो आप अपना स्किल भी ग्रो करिए, साथ में दूसरी कंपनी के लिए भी ट्राई करिए, क्योंकि एक कंपनी के बैठे भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, तो मैंने सोचा आप लोग बता दूँ। तो डोंट वेट फॉर एम्फेसिस अनबोर्डिंग, क्योंकि नो एनी चांसेस टू गेट एनी मैसेज या मेल। तो गाइज, यही सब हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और भी बहुत सारे हैं जो कि विप्रो का भी पूछ रहे हैं कि विप्रो का क्या हुआ सर, उसका कब तक हो, इलाइट सेकेंड फेज का क्या हुआ, ये सब पूछ रहे हैं। तो मैं बता दूं गाइज, विप्रो भी धीरे सबको दे रही है, ऐसी बात नहीं दे रही, लेकिन इतनी ज़्यादा हायर कर रखी है कि क्या पता आपको अभी तक मेल ना आया हो, कुछ लोग मेल आ गया हो, जा रहे हो। मेरा ही फ्रेंड है, उसका चेन्नई में हो गया, अनबोर्ड हो गया, तो फिलहाल वहीं पर है, इलाइट में ही है हुई। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो आप वेट ना करिए एम्फेसिस का, दूसरे कंपनी में ट्राई करते रहिए। तो आज का बस इतना ही था। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।